सबसे पहले तो मैं हरकी पौड़ी से भी और त्रिवेणी के संगम से भी ज्यादा पवित्र इस टिकरी बॉर्डर की जगह को मानते हुए मेरे सामने बैठी माताएं बहने पिता तुल्य गुजरात स्टेज में बैठे जितने किसान भाई एवं सबको सादर नमन करते हुए और मैं इस देश के प्रधानमंत्री के बारे में दो बात कहना चाहता हूं। एक बात कहता है, कभी अमित शाह का बयान आता है बुजुर्गो, कभी मोदी जी का बयान आता है, कभी उनके चमचे नरेंद्र सिंह तोमर का बयान आता है, जो हमारा कृषि मंत्री है दुर्भाग्य से, कि किसान बहुत कम रह गए हैं। हम सिंगू गए थे परसों, आज आपके बीच माने का मौका मिला, 20 किलोमीटर तक रोड की दोनों तरफ किसानों की ट्रॉलियां खड़ी है। अगर सरकार अडानी और अंबानी का चश्मा हटा के देखे, आज भी लाखों किसान टिकरी बॉर्डर के ऊपर जमा है। उनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं, और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ये किसान उनके वंशज हैं जो चमकौर साहब का अगर वो इतिहास पढ़ के देखे तो कितने नौजवान गुरु गोविंद सिंह के साथ थे, कुछ मुट्ठी में नौजवानों के साथ, अपने शिष्यों के साथ, जिसने लाखों की फौज का नाकों चले चबा दिए, ये लोग उनके वंशज बैठे थे, ये किसान उनके वंशज बैठे हैं। जब अंग्रेज का जमाना था, लाल किले पे यूनियन जैक नहीं, तिरंगा झंडा नहीं, यूनियन जैक था, चौधरी छोटूराम किसान के, जब किसान का जो भगवान था वो तय करता है, वाइस राय को कहता है कि तेरी मर्जी है जितना गेहूं किसान दे देगा, लेकिन जो फसल का भाव है गेहूं का वो किसान तय करेगा, वो छोटू राम तय करेगा, और 10 रुपए मन से एक पैसा कम नहीं दूंगा। बुजुर्ग और नौजवानों, अंग्रेज का जमाना था, वायसराय ने धमकी दी फौज और पुलिस की, चौधरी छोटू राम ने कहा कि पलवल से लेके पेशावर तक जिसके कुर्ते से पसीने की खुशबू आती है वो किसान मेरा बेटा है, एक आदेश दूंगा खड़ी फसल में आग लगा देंगे। आज मैं आपको यह भी कहना चाहता हूँ, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र की खूबसूरती है, आज हमें अपनी फसलें खराब बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। हिंदुस्तान का कानून हमें इस बात की इजाजत देता है, हम शांति प्रिय तरीके से अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। माँ के मैंने देखा सामने मेरे साथी थे चैन साहब, उन्होंने कहा कि दिल्ली इधर से ही जहा जाता है, मैंने कहा कि ऐसा बॉर्डर लगा रखा है जैसा भारत पाकिस्तान के बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल पे नहीं है। एक समय आता है अगर मोदी जी ये व्यवस्था किसान की रोकने की बजाय आप एलओसी के ऊपर कर देते तो शायद पठानकोट हमला नहीं होता, शायद पुलवामा अटैक नहीं होता, लेकिन हमारे बेटे जो 50 मीटर की दूरी पे खड़े हैं उनके हाथों में बंदूक देके सामने बूढ़ा किसान बैठा उसकी छाती पे उसकी संगीन को लगवा दिया, इससे घटिया इससे निकम्मा शासक हो नहीं सकता। पिछले दिनों देखा हमने, मैं थोड़ा सा समय आपका और लूंगा, पिछले समय हमने देखा जब गुलाम नबी आजाद रिटायर होते हैं राज्यसभा से, मोदी जी फफक के रोता है जैसे लड़की ससुराल में जाती है, लेकिन हमारे चाचे ताऊ हमारे भाई 250 से ज्यादा किसानों ने शहादत का जाम पी लिया, मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं आया। मुझे दुख होता है कि मेरे देश का प्रधानमंत्री ऐसा है, और वो हमें और आपको ये सिखाते हैं कि तिरंगे का सम्मान करना सीखो। अरे जिन्होंने 52 साल तक नागपुर में अपने झंडे पे, नागपुर के अपने कार्यालय पे, आरएसएस के कार्यालय पे भारत के स्वाभिमान तिरंगे झंडे को नहीं लगा, वो आप किसानों को तिरंगे का महत्व समझाते हैं। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ, मोदी जी हम वो किसान का लहू है, जब हमारी मौत होती है तो हम कफन भी तिरंगे का मांगते हैं, तू हमें तिरंगे का महत्व समझाएगा, बड़े दुर्भाग्य की बात है। मोदी जी हमने हमारी देशभक्ति पे आप प्रश्न चिन्ह मत खड़ा करो, हम बिरयानी खाने पाकिस्तान नहीं गए, जब किसान का बेटा बॉर्डर पार करके पाकिस्तान में गया है तो लाहौर की छाती में किसान ने तिरंगा झंडा गाड़ दिया, लेकिन तुम जब बॉर्डर पार करके गए हो तुमने पुलवामा अटैक करवा दिया, तुमने जब जिनपिंग को यहाँ बुला के आपने गुजरात में जब झूला झुलाया था जिनपिंग को आपके अहमदाबाद में, तो गलवान की खाती हिंदुस्तान के शहीदों सैनिकों के खून से लाल तुमने करवा दी, कोई दाढ़ी बढ़ा लेने से टैगोर नहीं हो जाता।
आपने पीछे सापला में चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के साथ जाके चौधरी छोटू राम के चित्र की पूजा की थी, उनका अनावरण किया था। मैं मोदी जी को आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मोदी जी चौधरी छोटू राम के चित्र की पूजा की, अगर आप उनके चित्र की पूजा करते तो 250 किसानों की शहादत नहीं होती। आज हम खुशी से अपने घर में रह रहे होते। आप ये सोचते हो कि गेहूं का सीजन आ गया और किसान चला जाएगा, हम बारी बारी से आएंगे। मैं आपको ये जरूर, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ किसान साथियों को, पूरे हरियाणा प्रदेश की मैं छत्तीसगढ़ भी, मध्य प्रदेश भी, महाराष्ट्र भी, मेरा हरियाणा में हम ज्यादा रहते हैं और गांव में जाके एक ही अलग लगाते हैं कि हम बॉर्डर पे किसी प्रकार से अपने आंदोलन को कम नहीं पड़ने देंगे। ये गेहूं भी कटेगा, कंबाइन भी चलेगी, हमारे खेतों से हमारे घर में अनाज भी आएगा और ये बॉर्डर पे भी हम रहेंगे। लेकिन मोदी जी अगर चाहते हो कि 135 करोड़ लोगों को, मुझे माफ करना, ये अंबानी और अडानी का पक्का गुलामी का पट्टा 135 करोड़ हिंदुस्तान के लोगों को पहनाना चाहते हैं। एक मिनट का और मैं समय लूंगा। हम केवल किसान की बात कर नहीं कर रहे, उन भाइयों को भी हम जागृत करते हैं गाँव में जाके, जो गेहूं, जो आटा, जो बाजरा, जो धान जो खरीद के खाते हैं, जब 120 रुपए किलो का अडानी फ्रेश का आटा मिलेगा, आपको अन्न नहीं मिलेगा, आप भूख से मर जाओगे। इसलिए सभी 36 बिरादरी हर धर्म और मजहब की आस्थाएं आपके साथ है, तो मोदी जी को हम आगाह करना चाहते हैं, मोदी जी 135 करोड़ हिंदुस्तानियों को अडानी और अंबानी की गुलामी का पट्टा हमारे घर में मत डालो। ये नस्ल और फसल की लड़ाई है, गुलामी से अच्छा तो मरना अच्छा है, ये हमारे पूर्वजों ने सिखाया है। एक तन पे सोने के तार खींचे, एक तन पे सोने के तार खींचे और एक तन पे सूत का तार नहीं, ये किसान इसलिए बगावत करता है, ये न्याय में स्वीकार नहीं। हम जरूर जीतेंगे। धर्म मजहब के जो ब्रेकर उन्होंने हमारे बीच में अवरोधक पैदा किए थे, आपने सबको तोड़ के हरियाणा पंजाब का जो उन्होंने बीच में दीवार खड़ी करने की बात की, हिंदू सिख हिंदू मुस्लिम की बात की, इन सब बैरिकेड को तोड़ के आप लोग जीत के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। किसी हौसले, किसी जज्बे, किसी शौर्य के साथ हम लगे रहे तो दिल्ली को झुकना पड़ेगा और दिल्ली समझ ले, दिल्ली हमारी है। जब किसान की गर्दन पे दिल्ली ने पैर रखा तो दिल्ली के पैरों में घुंघरू बना के किसान ने 20 बार नचाया है, ये मोदी जी को हम चेतावनी देना चाहते हैं। आपने मेरी बात को सुना, मैं आपको सादर नमन करते हुए और प्रार्थना में करता हूँ कि आप इसी जोश क्रोश हौसले हिम्मत और जज्बे के साथ लगे रहिए। किसानों का खून आपकी रगों में है, भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर है, हम जरूर जीतेंगे। किसान एकता, किसान एकता। बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद।